पहले तो कल हम लोग ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे थे जब सुने थे कि स्टूडेंट्स का डेथ हुआ है। एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव हम लोग पहुंचे थे, बट बहुत देर रात सुबह तक कंफर्म हुई कि एक स्टूडेंट उसी में जेएनयू का है, हमारे पीएचडी का रिसर्च स्कॉलर है, तो अभी हम लोग उनके लिए यहां पे मौजूद है। आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर हमें पता चली कि बॉडीज यहां पे लाई गई है। ऑल दो कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल पा रही है, उनके सुपरवाइजर वगैरह सबको यहां पे वेट कर रहे हैं, पीएचडी सुपरवाइजर कि बॉडी का कंफर्मेशन, आइडेंटिटी कंफर्मेशन वगैरह, बाकी प्रोसेस जो होता है उसके बाद वो हो पाए। काफी ही शॉकिंग इंसिडेंट है, और एक कोचिंग सेंटर में लोग पढ़ने आते हैं, ये एक मतलब बहुत दूर से, ये स्टूडेंट भी केरला से है, बाकी स्टूडेंट्स भी काफी दूर से कोचिंग लेने आए हैं इतना लाखों लाखों रुपए खर्च करके, तो काफी शॉकिंग है कि उसके बावजूद कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिया जा रहा है। जो और एक चीज है कि सारी इन्फॉर्मेशन हमें मीडिया से पता चल गई है, पुलिस के तरफ से अभी भी पेरेंट्स का जो कंप्लेन है या उनके जो फ्रेंड्स ग्रुप का सबका ही, कि पुलिस डायरेक्टली कुछ तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो ये काफी डिस्टर्बिंग है क्योंकि उनके सुपरवाइजर इतने देर से बैठे हुए हैं, उनको कंफर्मेशन नहीं किया जा रहा है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है, कहाँ आइडेंटिफाई करना है, क्या प्रोसेस है, तो ये बहुत भी एक ढीले ढाले तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं। मैं तो रात को, हम लोग ऑलरेडी ओल्ड राजेंद्र नगर पे थे, सुबह हम लोग जेएनयू गए, जेएनयू में पता चला तो हम लोग, स्टूडेंट यूनियन का डेलीगेशन भी आ रहा है एक घंटे के अंदर यहाँ पे, तो हम लोग तो ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ इधर ही आसपास ही थे, और तीन चार घंटे हो गए हैं, टीचर्स वेट कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोफेसर ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। वो पीएचडी स्कॉलर है स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके कांटेक्ट में ही है, मतलब सबको पता है कि वो वहां पे कोचिंग ले रहे थे, यूपीएससी अटेम्प्ट्स की कोशिश कर रहे थे, बाकी इतनी इन्फॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो सब में ही मिलजुल के इतना इन्फॉर्मेशन है, उनके फ्रेंड्स आए हुए हैं, उनके बैच के लोग, उनके डिपार्टमेंट के लोग, अभी हमें ये पुलिस द्वारा बताया गया कि फैमिली को इन्फॉर्म किया गया है, बट अभी कोई कन्फर्मेशन हमारे तरफ से या हमारी कोई फैमिली से बातचीत नहीं हो पाई है।